बरनाला में विभिन्न स्थानों पर गणेश उत्सव मनाया गया। शहर में शोभा यात्राएं निकाली गईं। इस मौके पर आयोजकों ने कहा कि युवा मंडल द्वारा 12वां गणपति महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बरनाला शहर में डिसेंस होटल वाली गली में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज बरनाला शहर में भगवान गणेश की यात्रा निकाली गई है, जो बरनाला के विभिन्न बाजारों व गलियों से होकर गुजर रही है। भगवान गणपति का विसर्जन हरिगढ़ नहर पर जाकर किया जाएगा। वहीं एक अन्य श्रद्धालु रवि बंसल ने बताया कि प्राचीन शिव मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव के मौके पर नजर मंदिर में भगवान के नाम पर रोजाना कीर्तन और आरती की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उन्होंने कहा, गणेश भगवान का विसर्जन रणिके में नहर में किया जाएगा। मैं अतुल गुप्ता, मेंबर आरजेटी माता मंदिर कमेटी की कन्नी हूँ। अभी हर साल जिस तरह 11 दिन का गणपति को बड़ी धूमधाम नाल मनाया, बचाले राधा कृष्ण का प्रोग्राम भी बहुत धूमधाम नाल किया गया। लंगर लाए गए, कई चावल के लंगर लगे। अज 11 दिन बाद बड़ी धूमधाम विशाल शोभा यात्रा के नाल असं विसर्जन करने वास्ते हरिगढ़ चले हैं, जिड़ी कि कॉलेज रोड, सदर बाजार, कच्चा वाले रोड होंगे हुए हरिगढ़ जाके विसर्जन होने गए। मेरा नाम अभिषेक है जी। यह गणपति उत्सव युवा मंडल की ओर तो 12वां श्री गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम नाल मनाया गया जी। ये सारे साडे कार्यकर्ता है जी, ये प्रधान जी, ये सैकटरी साहब है जी, जिस नाल असी लोगों के प्रचार कर रहे हैं ताकि वो धर्म नाल जुड़ सकन। ये जिहड़ी शोभा यात्रा है यह डिसेंट होटल वाली गली के असी गणेश उत्सव मनाया सी जी। ये उत्थों चल के सारी केसी रोड होंदी हुई गीटी वाला मंदिर होके सदर बाजार से होके पक्का कॉलेज रोड तो निकल रही है जी। तो असी गणपति बप्पा का विसर्जन है जोड़ा वो हरिगढ़ वाली नहर से जाके करा। असी ये जोड़ा कार्यक्रम करते हैं बहुत ही धूमधाम करते हैं जी। तो ये कोई भी रंग नहीं वरतते ताकि आम जनता आम लोगों किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साडे एक उत्सव के साडा परिवार भी नाल चलता है ताकि असी ये मैसेज दें ताकि सारे परिवार इस जो हिंदू धर्म के महोत्सव होंगे उन्होंने नाल जुड़ सकन। मेरा नाम रवि बंसल है। सिद्धि विनायक सेवा सोसायटी वालों यह 12वां गणेश उत्सव है, जो कि हर साल स्टेशन वाले मंदिर के प्राचीन शिव मंदिर के धूमधाम नाल मनाया जाता है। इतने 7 तारीख को कलश यात्रा कटी से असी, उसके बाद स्थापना पूजा की, फिर बाद गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। हर रोज शाम को कीर्तन होता है 7:30 से 9 बजे तक, उसके बाद महाआरती होती है। महाआरती के बाद रोज अलग अलग तरह का लड्डुआ का, मोदियों का, हर तरह की मठियाई का, फल फ्रूट का भोग लगता है। कीर्तन के बाद सारी पब्लिक से प्रसाद मंडाया जाता है। उसके बाद अच्छे 17 तारीख को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। हम शोभा यात्रा शिव मंदिर को सदर बाजार होंगे केसी रोड को अभी रैनीके जाना है, रैनीके नहर से उसके बाद गणेश जी का मूर्ति का जल प्रवाह किया जाएगा। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी है, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।